हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वेबसाइट चेकिंग का ये पार्ट 5 चल रहा है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट चेक कर लेना चाहते हो, जिससे कि आपको बहुत ही जल्द गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और साथ ही आपने वेबसाइट पर क्या क्या गलतियाँ की है उनके बारे में जानना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और साथ ही वेबसाइट के बारे में बता सकते हो और वेबसाइट चेक कर ले सकते हो। तो आज हम ये वाली वेबसाइट चेक करके बताने वाले कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कैसे वेबसाइट डिजाइन करना है और साथ ही क्या क्या आपको और करना पड़ेगा जिससे कि एडसेंस का अप्रूवल आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। तो यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से मुझे इंस्टाग्राम पर इस बंदे ने कॉन्टेक्ट किया था, तो उसकी वेबसाइट में अभी चेक करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से इससे काम करना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हो, कुल मिलाकर इतनी पोस्ट है, यहाँ से 1, 2, 3, उसके बाद ऐसे 4, 5, 6, 7 ही पोस्ट यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 15 प्लस पोस्ट डालने पड़ेंगे, नहीं तो 20 प्लस पोस्ट डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। बाकी ऐसे पेजेस देख सकते हो, ऊपर पेजेस के लिंक ऐसे ऐड कर कर रखे हैं, तो अच्छे से पेज बनाया गया है, जिससे मैंने ऑलरेडी ऐसे चेक कर लिया है। पेजेस भी अच्छे से बनाए गए हैं, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पेजेस आपको और कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट 4 पेजेस है ऑलरेडी ऐसे बनाकर लगाए गए हैं। उसके बाद ऐसे सोशल मीडिया के आइकॉन पर सिर्फ फेसबुक ऐसे नजर आ रहा है, तो आप ऐसे इंस्टा 2-3 ऐसे ऐड कर सकते हो, टेलीग्राम, उसके बाद इंस्टाग्राम, नहीं तो यूट्यूब की लिंक आप ऐसे जोड़ सकते हो। वैसे मेन मेनू पर ऐसे सिर्फ ऐसे एक कैटेगरी ऐड कर कर रखी है, तो सबसे पहले आपके पास 2-3 और कैटेगरी क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि ऐसे फर्स्ट कैटेगरी है ऐसे रेसिपी इन हिंदी, तो यहाँ से और कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, रेसिपी के टाइप जितने भी है, तो आप ऐसे 2-3 टाइप ऐसे ऐड कर आपके फर्स्ट मेनू पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद वही कैटेगरी रहेंगे, उस पर आपको पोस्ट डालते जाना है। तो इस तरीके से आपको सबसे दूसरी बात ऐसे हो जाती है कि आपको और कैटेगरीज बनाकर ऐसे मेन मेनू पर लगा देनी है। तो उसके बाद नीचे आने के बाद ऐसे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ऐसे फुटर मेनू में आपने ऐसे सर्च का आइकॉन लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रिसेंट पोस्ट दिखते हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलर पोस्ट ए वाली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले लेता है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जितने भी पेजेस आपने लगा कर रखे हैं ऊपर, तो आप ऐसे प्राइमरी मेनू पर यहाँ पर जो जितने भी पेजेस है सारे के सारे यहाँ पर भी लगा सकते हो फुटर मेनू पर। तो दूसरा काम एक कर सकते हो, बाकी मैं एक पोस्ट ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ से जितने भी रिसेंट पोस्ट है सारे के सारे होम पेज पर दिख जाएंगे, तो यहाँ पर अच्छे खासे पोस्ट लिखे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे भी पोस्ट में ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से काम किया गया है, तो अच्छा खासा काम यहाँ पर हो गया है। तो सिर्फ और आपको एक्स्ट्रा पोस्ट डालने की ज़रूरत है, यहाँ से देख सकते हो इतना बड़ा पोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही कैटेगरी के सारे पोस्ट है, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल भी बहुत ही जल्द मिल जाता है। तो इस तरीके से पोस्ट लिखना ऐसे शुरू है, तो अच्छी बात है। और आप ऐसे कोशिश कर सकते हो और अच्छे पोस्ट ऐसे क्रिएट कर डाल सकते हो, उसके बाद ऐसे 20 प्लस पोस्ट डालने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐसे काम किया जा रहा है, आप ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो। और होम पेज पर आने के बाद ऐसे रिसेंट पोस्ट का ऐसे जो भी लेबल है ऐसे उन्होंने ऐड किया है, ऐसे देख सकते हो रिसेंट पोस्ट, तो होम पेज डायरेक्टली खाली है, यानी कि यहाँ से सिर्फ जो भी हम ऐसे विजेट ऐड करते हैं तो वही आपके पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से होम पेज आपके पास सबसे पहले क्रिएट करना है, होम पेज पर ये पोस्ट सारे के सारे लगा देनी है। तो जितने भी रिसेंट पोस्ट का आपने ऐसे जो क्रिएट कर रखा है सारे के सारे पोस्ट यहीं पर शो कर रहे हैं, तो आपको इसे हटाकर ये सारे के सारे पोस्ट होम पेज पर ऐड कर लेनी है। रिसेंट पोस्ट का यहाँ पर लेबल लगा कर रखा है, तो आप इसे डायरेक्टली साइड बार पर लगा सकते हो, ऐसे कैटेगरी के नीचे, उसके बाद पॉपुलर पोस्ट के नीचे आप इसे लगा सकते हो। तो ये डायरेक्टली होम पेज पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर होम पेज पर एक भी पोस्ट शो कर रही नहीं। तो आपके पास सबसे पहले होम पेज पर सारे के सारे पोस्ट डालने हैं और साथ ही ये जो ऑप्शन है आपका पर साइड बार पर लगा देने हैं। तो इसी तरीके से आपको और पोस्ट डालने पड़ेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा पोस्ट डालने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले आप पोस्ट डालो, उसके बाद ऐसे एडसेंस के लिए अप्लाई करो। 20 प्लस पोस्ट डालने के बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ब्लॉग है और एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, कहीं से भी आपको कॉपी कर पेस्ट नहीं करना, और आप खुद से जो भी खुद से पोस्ट लिखते हो वही आपको यहाँ पर क्रिएट करके डाल लेना है, जिससे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको एडसेंस का अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से काम करते रहो और एडसेंस के लिए अप्लाई करो 20 प्लस पोस्ट होने के बाद। तो जितने भी चेंजेस करने के लिए कहा है उस तरीके से आप काम कर कर या से एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। तो चलिए, अगर आपको भी किसी और को वेबसाइट चेक कर ले लेनी है, तो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना है, तो मैं जरूर आपकी वेबसाइट चेक करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट चेकिंग का ये पार्ट 6 चल रहा है, तो अगर आपको भी अपनी